हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम जिस स्टॉक की बात कर रहे हैं उस स्टॉक का नाम है सोना BLW प्रीसीजन फोर्जिंग्स लिमिटेड कंपनी। एक बहुत ही अच्छी कंपनी है ये, और इस कंपनी की जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इसमें जो FII है और जो DII है उनकी जो होल्डिंग है वो बहुत ही बड़ी है, और वो लगातार ही अपनी होल्डिंग को इस कंपनी में बढ़ाने लग रहे हैं। ये जो कंपनी है ये इंडिया बेस्ड ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी कंपनी है। ये जो कंपनी है ये जो सभी तरह के व्हीकल होते हैं और उनके जो कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि डिफरेंशियल असेंबली हो गया, गियर्स हो गया, कन्वेंशनल हो गया, माइक्रो हाइब्रिड मोटर्स हो गया, BSG सिस्टम हो गया, EV ट्रांसएक्शन मोटर हो गया, इन सभी की डिजाइन करती है, इनको बनाती है और फिर इनकी ये सप्लाई करने का काम ये कंपनी करती है। और ये जो कंपनी है ये जो मैकेनिकल और जो इलेक्ट्रिकल हार्डवेयर सिस्टम होता है और उसके जो कंपोनेंट होते हैं, इनके साथ साथ ये जो बेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन होता है ये उसको भी प्रोवाइड करती है। यानी कि बेसिक रूप से जो भी ये व्हीकल होते हैं तो ये इनके जो कंपोनेंट्स होते हैं ये उनको बनाने का काम ये कंपनी करती है। जो कंपनी है इसको मित्सुबिशी मेटल कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी के साथ एक संयुक्त उद्यम के रूप में सोना ओकेगावा प्रीसीजन फोल्डिंग्स कंपनी के रूप में स्थापित किया गया था, लेकिन 2016 में इसका जो नाम है वो बदलकर सोना BLW प्रीसीजन फोर्जिंग्स कंपनी रख दिया गया। ये जो कंपनी है इसके जो बिजनेस सेगमेंट है और इसका जो प्रोडक्ट ऑफरिंग है उसको दो सेगमेंट में बांटा जा सकता है। पहला है ड्राइव लाइन पार्ट्स, इसमें डिफरेंशियल असेंबली और जो गियर होता है वो आता है, और दूसरा है इसका मोटर्स। तो इसका जो पहला सेगमेंट है ड्राइव लाइन पार्ट्स सेगमेंट है, इसमें ये जो कंपनी है ये जो इलेक्ट्रीफाइड हो गया और जो नॉन इलेक्ट्रीफाइड PV, CV, OHV और 3W इन दोनों के लिए ये डिफरेंशियल असेंबली हो गया और प्रीसीजन फोर्ज डिफरेंशियल बेवल गियर बनाने का काम ये कंपनी करती है। और इसके बिजनेस का जो दूसरा सेगमेंट है मोटर सेगमेंट्स, इसमें ये जो कंपनी है ये जो PV हो गया और जो LCV हो गया इनके लिए ये माइक्रो हाइब्रिड स्टार्टर मोटर्स हो गया और EPV हो गया, हाइब्रिड हो गया, और ELCV हो गया, और E2WS हो गया, और E3WS हो गया इनके लिए ये EV ट्रैक्शन मोटर हो गया, और जो मोटर कंट्रोल यूनिट है वो बनाने का काम ये कंपनी करती है। और इसका जो रेवेन्यू आता है और जो डिफरेंशियल असेंबली होगी उसे 27% का आता है, माइक्रो हाइब्रिड मोटर्स हो गया उसे 26% का रेवेन्यू आता है, और डिफरेंशियल गियर हो गया उनसे ये 25% का रेवेन्यू जनरेट करती है, और जो कन्वेंशनल स्टार्टर मोटर्स हो गया उसे ये 17% का रेवेन्यू जनरेट करती है, और जो अदर सेगमेंट हो गया उसे ये 5% का रेवेन्यू जनरेट करती है। ये जो कंपनी, इसकी 10 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं और असेंबली की सुविधाएँ हैं। इनमें से 7 जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो इंडिया में है, और 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो चाइना, अमेरिका और जो मेक्सिको है उसमें स्थित हैं। इसके अलावा इस कंपनी के 8 जो गोदाम हैं वो अमेरिका, जर्मनी और जो बेल्जियम और इंडिया है उसमें स्थित हैं। और ये जो कंपनी है अपना 26% का जो रेवेन्यू है वो इंडिया से जनरेट करती है, और बाकी के जो देश हैं उनसे नॉर्थ अमेरिका से ये 33% का रेवेन्यू जनरेट करती है, यूरोप से 22% का, एशिया और जो दूसरे देश हैं उनसे ये 19% का रेवेन्यू जनरेट करती है। और इस कंपनी के जो ग्राहक हैं उसमें अशोक लीलैंड डेमलर हो गया, M&M हो गया, एस्कोट महिंद्रा इलेक्ट्रिक हो गया, रेनोल्ट निशान हो गया, मारुति सुजुकी हो गया, वोल्वो हो गया, और जो वोल्वो आइसर हैं वो इसके ग्राहक हैं। और ये जो कंपनी है ये जो अपनी R&D की जो टीम है उसके ऊपर भी काफ़ी खर्च करने लग रही है। और ये जो कंपनी है अभी इसका जो फोकस है वो ये जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल होते हैं ये उनके ऊपर ये अभी कंपनी फोकस करने लग रही है। तो ये जो कंपनी है ये जो व्हीकल कंपनियां होती हैं उनके जो कंपोनेंट्स होते हैं ये उनको बनाने का काम ये कंपनी करती है। तो ये तो होता है इसका बिजनेस मॉडल। इसकी जो मार्केट कैप है वो 32,447 करोड़ की है, इसका जो बॉन्ड इकाई है वो 605 रुपया है, और जो लो है वो 397 रुपया है, इसकी जो बुक वैल्यू है वो 39.10 रुपया है, और एक डिविडेंड देने वाली कंपनी है ये, इसकी जो डिविडेंड यील्ड है वो 0.50% की है, इसका जो ROCE है वो 22% का है, और इसका जो ROE है वो भी 18.3% का है,
इसके ऊपर जो डेट ऑफ इक्विटी हो 0.013% की है, यानी कि एक नाम मात्र का ही कर्जा इसके ऊपर, और इसमें जो प्रमोटर उनकी कोई भी होल्डिंग प्लेज नहीं है, और इसके ऊपर जो करंट लाइबिलिटीज है वो 550 करोड़ की है, और इसकी जो टोटल एसेट है वो 3060 करोड़ की है। ये देखिए, अगर आप इसकी सेल्स देखोगे, इसकी जो सेल्स है वो लगभग 600 करोड़ से ऊपर की ही रहती है। मार्च 2023 में इसने 743 करोड़ की सेल्स की है, और जून 2023 की इसकी जो सेल्स है वो 731 करोड़ की है, और इसकी जो अदर इनकम है वो भी क्वार्टर वाइज 3 करोड़ की 13 करोड़ की 3 करोड़ की ऐसे हो जाती है, और इसका जो नेट प्रॉफिट है वो भी क्वार्टर वाइज 112 करोड़ का 120 करोड़ का 107 करोड़ का 93 करोड़ का ऐसे हो जाता है। तो एक बहुत ही अच्छा नेट प्रॉफिट ये कंपनी जनरेट करने लग रही है। और अगर आप इसके ऊपर कर्जा देखोगे तो इसके ऊपर अभी केवल 295 रुपये का कर्जा है। जितनी बड़ी कंपनी है उसके ऊपर कर्जा उतना ही कम है, और इसकी जो रिजर्व कैपिटल है वो लगातार बढ़ने लग रही है। 803 करोड़ 1416 करोड़ अभी 1705 करोड़ की है, और इसकी जो शेयर कैपिटल है जहाँ पहले 47 करोड़ होती थी फिर बढ़ के 573 करोड़ 584 करोड़ अभी 585 करोड़ की है। इसका जो CWIP है वो 91 करोड़ के ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि अभी बनने लग रहे हैं। इसकी जो टोटल एसेट है वो भी लगातार बढ़ने लग रही है 1851 करोड़ 2198 करोड़ 2596 करोड़ अभी 3060 करोड़ की है। और ये देखिए, कंपनी को चलाने के लिए इसके पास अभी 533 करोड़ का कैश भी है, और इसमें जो प्रमोटर है उनकी जो होल्डिंग है 29.76% की इसमें बनी हुई है, लेकिन इसमें जो FII है उनकी जो होल्डिंग है वो लगातार वो अपनी होल्डिंग को इसमें बढ़ाने लग रहे हैं। पहले 11.27% 24.69% अभी 31.68% की है, और इसमें जो DII है इनकी जो होल्डिंग है वो भी 28.20% की इसमें बनी हुई है। तो देखिए, अभी जो ये स्टॉक है ये लगभग 590 रुपये की पर ट्रेड करने लग रहा है। ये जो इसमें और भी अभी करेक्शन होना भी बाकी है, और ये जो स्टॉक है आपको 420 रुपये के ऊपर भी आसानी से ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, तो तब जाके आप अपनी होल्डिंग को इस स्टॉक में बढ़ा सकते हैं। एक बहुत ही अच्छी कंपनी है और एक फंडामेंटल काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है ये। इस स्टॉक के जो एडवांटेज हैं वो ये है, इसकी जो टोटल एसेट वो लगातार बढ़ने लग रही है, इसकी जो रिजर्व कैपिटल वो भी लगातार बढ़ने लग रही है, और एक बिल्कुल एक डेट फ्री कंपनी है ये, और एक डिविडेंड देने वाली कंपनी है ये, और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो प्रमोटर हैं जो FII हैं और जो DII है, अगर इन तीनों की होल्डिंग को इसमें मिला दिया जाए तो 90% की होल्डिंग इन तीनों की हो जाती है, और जो पब्लिक है यानी कि जो रिटेल इन्वेस्टर है उनकी तो केवल 10% की ही होल्डिंग इस कंपनी में है। तो जैसे आपको ये जो स्टॉक है 420 रुपये के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे तो तब आप अपनी बाइंग को इस स्टॉक में बना सकते हैं, और जैसे जैसे ये डिप में मिलता जाए आप अपनी बाइंग को इस स्टॉक में बढ़ा सकते हैं। एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, और ये जो कंपनी है फंडामेंटल एक काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है। और दोस्तों, किसी भी स्टॉक में आप पैसा लगाते हैं तो अपना खुद का रिसर्च भी ज़रूर करें, और अपने रिसर्च के आधार पर ही किसी भी स्टॉक में आप पैसा लगाए। सो दोस्तों, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।